फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ एलपीपी। फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एलपीपी क्या है, वो देखते हैं। इसके लिए हमें कुछ पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है वो है ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन। ऑफ अ एलपीपी मस्ट बी मैक्सिमम और मिनिमम। यानी ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन होगा वो या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, इनमें से कोई एक होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है वो अपने पास आरएचएस ऑफ आल कंसिस्ट। आर एच एस ऑफ आल कंसिस्टेंट आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने चाहिए। एवं थर्ड कंडीशन है वो है अपने पास आल वेरिएबल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जो अपने पास जो वेरिएबल होंगे वो X1 X2 X3 जो भी वेरिएबल होंगे हमारे पास वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने चाहिए। और फोर्थ कंडीशन है वो अपने पास आल कंसिस्टेंट आर एन इक्वेशन। हमारे पास जो कंसिस्टेंट होंगे वो इक्वेशन में होनी चाहिए। वहाँ पर हमें ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन या लेस देन, इनमें से कोई भी साइन नहीं होना चाहिए। अब फिर से हम कुछ चेंज करके देखते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल अपने पास मैक्स जेड बराबर 2X1 प्लस X2 सच देट X1 प्लस X2 लेस देन इक्वल टू 1, 2X1 प्लस X2 ग्रेटर देन इक्वल टू -4, X1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड X2 लेस देन इक्वल टू 0। देन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म निकालनी है। फाइंड स्टैंडर्ड फॉर्म। अब फ्रेंड, स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन ऑफ अ एलपीपी मस्ट बी मैक्सिमम और मिनिमम। ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन ऑफ अ एलपीपी मस्ट बी मैक्सिमम और मिनिमम। जो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन है वो हमारे पास मैक्सिमम दिया हुआ है, मैक्सिमम 2X1 प्लस X2 ये दिया हुआ है। सेकेंड है हमारे पास आर एच एस ऑफ आल कंसिस्ट आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और थर्ड दिया हुआ है आल वेरिएबल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इस पे देखते हैं आल वेरिएबल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देखते हैं जो X2 है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, तो हम X2 को हम रिप्लेस कर देते हैं X2 बराबर -2 -X2 डैश। हमने X2 को रिप्लेस, यहाँ पे भी इसमें X2 होगा उसको -X2 डैश से रिप्लेस कर देंगे तो अपने पास हो जाएगा -X2 डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये लेस देन 0 है। अब हमने इसको चेंज किया तो ये होगा X2 डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जहाँ पर भी X2 है हमें -X2 डैश लिख देना है उसकी जगह, तो वो चेंज हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे मैक्सिमम जेड इक्वल टू 2X1 प्लस X2, X1 -X2 डैश लेस देन इक्वल टू 1, 2X1 प्लस X2 ग्रेटर देन इक्वल टू -4। सॉरी, माइनस यहाँ पे X2 है तो यहाँ पे -X2 डैश आएगा, -X2 डैश एंड X1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ही, एवं X2 डैश भी अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये आ गया है। अब हमें क्या क्या करना है, आर एच एस ऑफ आल कंसिस्टेंट आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये चाहिए हमें। तो उसके हमें आर एच एस के हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में तो ग्रेटर देन इक्वल टू है ही, लेकिन इसमें हमारे पास -4 है, तो इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें -4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह जाएगा अपने पास मैक्सिमम जेड इक्वल टू 2X1 प्लस X2 और सब्जेक्ट टू ये होगा X1 -X2 डैश लेस देन इक्वल टू 1
टू एक्स वन माइनस एक्स टू डैश लेस, सॉरी माइनस का मल्टीप्लाई क्या है, तो माइनस यहाँ पे प्लस लेस देन इक्वल टू फोर ये आ गया, साइन चेंज हो गया यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करने से, और ये आ गया एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एक्स टू डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब फ्रेंड्स थर्ड क्या है अपने पास, जो लास्ट कंडीशन है वो अपने पास आल कंसिस्टेंट आर इन इक्वेशंस, जो कंसिस्टेंट होंगे वो इक्वेशंस में होंगे, तो हमें इनको इक्वेशंस में चेंज करना है। इक्वेशंस में चेंज करने के लिए हमें इसमें स्लैक वेरिएबल जोड़ना पड़ेगा। स्लैक वेरिएबल क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ लेस देन इक्वल टू, स्लैक वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू, जिसको जोड़ने पर ही हमारे पास इक्वल टू के साइन में आ जाएगा, हमारे पास उसकी वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हम उसको जोड़ने पर हम इस तरह से वैल्यू लेते हैं वेरिएबल की, ये लेस देन इक्वल टू का साइन हट जाएगा, तो ये आ जाएगा मैक्सिमम जेड इक्वल टू टू एक्स वन, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे भी हमने चेंज किया, तो यहाँ माइनस एक्स टू डैश आएगा, यहाँ पे माइनस एक्स टू डैश आएगा, तो यहाँ माइनस एक्स टू डैश ये आ गया सब्जेक्ट टू एक्स वन माइनस एक्स टू डैश प्लस एस वन इक्वल टू, ये स्लैक वेरिएबल जोड़ दिया एक्स वन इक्वल टू वन माइनस टू एक्स वन प्लस एक्स टू डैश प्लस एस टू इक्वल टू फोर एवं एक्स वन एक्स टू एस वन एस टू सभी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। हमारे पास फ्रेंड्स ये कंडीशन आ गई, ये जो फॉर्म है अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि इसमें चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब फ्रेंड्स हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है हमारे पास मैक्सिमम जेड इक्वल टू टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री सब्जेक्ट टू एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स थ्री लेस देन इक्वल टू वन, टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू प्लस एक्स थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स टू लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स थ्री अनडिफाइंड, हमारे पास एक्स थ्री जो दिया हुआ है वो डिफाइंड नहीं है हमारे पास। अब फ्रेंड्स हमें सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करने के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, हमें फाइंड स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें एक्स थ्री को डिफाइन करना होगा, हमें एक्स थ्री को डिफाइन कर देते हैं फ्रेंड्स, एक्स थ्री को एक्स थ्री डैश माइनस एक्स थ्री डबल डैश, वेयर एक्स थ्री डैश एंड एक्स थ्री डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। फ्रेंड्स ये एक्स थ्री डैश एवं एक्स थ्री डबल डैश इस तरह से है हमारे पास, जैसे अगर एक्स थ्री की वैल्यू जीरो है हमारे पास, कोई एक्स थ्री बराबर जीरो अपने पास है, जैसे एक्स थ्री बराबर जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, जो भी पॉजिटिव नंबर है, तो हमारे पास एक्स थ्री डबल डैश जीरो हो जाएगा। और अगर कोई नेगेटिव नंबर है एक्स थ्री, जैसे एक्स थ्री बराबर हमारे पास माइनस फाइव है, तो एक्स थ्री डैश, और इसको हमने इस तरह से एक्स थ्री बराबर माइनस फाइव है, तो इस कंडीशन में हमने हम इनको डिफाइन कर सकते हैं कि एक्स थ्री डैश बराबर हम कर सकते हैं अपने पास एक्स थ्री डैश बराबर जीरो कर सकते हैं, एक्स थ्री डबल डैश बराबर फाइव कर सकते हैं। फिर से इस कंडीशन में हमारे पास ये जीरो हो गया, ये फाइव हो गया, तो इस कंडीशन में माइनस फाइव आ जाएगा, और दोनों ही हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो इस कंडीशन में इस तरह से हम ये एक्स थ्री डैश माइनस एक्स थ्री डबल डैश ये सभी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, सभी पॉइंट्स को हमारे पास एक्स थ्री की सभी वैल्यूओं को हम इसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक्स थ्री को डिफाइन कर लिया, ये हमने एक्स थ्री को डिफाइन कर दिया फ्रेंड्स। अब एक्स थ्री को डिफाइन कर दिया, और एक्स टू लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो एक्स टू को हम कर सकते हैं, एक्स टू को हम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस एक्स टू डैश से, इससे रिप्लेस कर सकते हैं हम, तो इससे रिप्लेस करने पर हमारे पास ये आ जाएगा, जो ये मैक्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो मैक्सिमम जेड इक्वल टू टू एक्स वन माइनस एक्स टू डैश माइनस एक्स थ्री को क्या किसे रिप्लेस किया, एक्स थ्री डैश माइनस एक्स थ्री डबल डैश इससे रिप्लेस किया है, और उसके बाद ये आएगा, ये हमने इससे ये लिख दिया सब्जेक्ट टू एक्स वन माइनस एक्स टू डैश माइनस एक्स थ्री, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे अपने पास थ्री एक्स थ्री है, तो यह थ्री आएगा प्लस का साइन थ्री, ये हमारे पास माइनस एक्स थ्री है, तो ये एक्स थ्री डैश माइनस एक्स थ्री डबल डैश लेस देन इक्वल टू वन, ये अपने पास टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू डैश प्लस, अब एक्स थ्री डैश माइनस एक्स थ्री डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, एवं अब एक्स वन एक्स टू डैश एक्स थ्री डैश एवं एक्स थ्री डबल डैश,
जो भी है सभी अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अब फ्रेंड्स हमने इसमें क्या क्या चेंज कर लिया, यहाँ पे हमने चेंज कर लिया है कि ये सभी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, हमारे पास ये हम चेंज कर चुके हैं। ये हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम है, और आर एच एस ऑफ आल कंसिस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये 1 और 4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो हम हमारे पास रह गए इसको हम इक्वेशंस में चेंज करें। तो इक्वेशंस में चेंज करने के लिए फ्रेंड्स हमें सिंपली स्लैक एवं सरप्लस वेरिएबल जोड़ देने, तो वो हो जाएगा मैक्सिमम जेड बराबर 2x1 - x2 - 3x3 - x3 " सब्जेक्ट टू x1 - x2 - x3 - x3 " + s1 = 1। और ये हो गया अपने पास 2x1 - 3x2 - x3 - x3 " - s2। फ्रेंड्स ये सरप्लस वेरिएबल है, स्लैक्स वेरिएबल है, यानी ये इसको हम इसको हम कहते हैं वर्धमान फलन, ये ह्रासमान फलन, सॉरी फ्रेंड्स इसको कहते हैं निम्नता पूरक फलन, इसको कहते हैं आधिक्य पूरक फलन हिंदी में। तो ये हो गया इक्वल टू 4। ये फ्रेंड्स और यहाँ पे x1 - x2 - x3 - x3 " - s1 - s2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास जो फॉर्म आई है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। इसी तरह फ्रेंड्स हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।